नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। एक तरफ दिल्ली के एलजी के बयान जारी करके एसीबी पर अपना अधिकार जमा रहे हैं और कह रही हैं कि उनके पास अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया जिसमें बिहार के पुलिस अधिकारियों को दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच में नियुक्त करने की बात हो, और आएगा तो अच्छे से सोचा भी जाएगा और फैसला भी लेंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली सरकार और एसीबी को अपने यहां अधिकारी नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, फिर भी हालात ऐसे क्यों बने हैं कि एलजी और दिल्ली सरकार फिर से आमने सामने हैं और विवाद बढ़ रहा है। तो अभी तकरार है बरकरार, अधिकारियों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आखिर दिल्ली का बॉस है कौन, केजरीवाल या फिर उपराज्यपाल? दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार बनी तब से दिल्ली वासियों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी समस्याओं के लिए गुहार आखिर किसके पास लगाएं, क्योंकि अभी तक उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि दिल्ली का मुखिया आखिर है कौन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है या फिर उपराज्यपाल राजीव जंग? दरअसल इन्हीं दोनों के ने दिल्ली वासियों के बीच कंफ्यूजन बढ़ा दी है और अधिकारियों की लड़ाई में ऐसे उलझे हैं जो अब तक सुलझ नहीं पाए। ताजा मामला दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो का है, जिसमें केजरीवाल ने बिहार केस से बुलाकर 6 पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त किया है और इस नियुक्ति ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच में विवाद को गहरा दिया है। दरअसल केजरीवाल सरकार का कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में अधिकारियों की कमी है और इसी वजह से बिहार से 6 पुलिस अफसरों को बुलाया गया है, जबकि उपराज्यपाल का कहना है कि इसमें अभी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी तकरार है बरकरार, अधिकारों की लड़ाई नहीं हुई खत्म, आखिर दिल्ली का बॉस कौन, केजरीवाल या उपराज्यपाल? जी हाँ, दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार बनी है तब से दिल्ली वासियों को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी समस्याओं की गुहार लेकर किसके पास जाएं, क्योंकि अभी तक उनके समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली का मुखिया कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं या फिर उपराज्यपाल नजीब जंग। दरअसल इन्हीं दोनों ने दिल्ली वासियों के बीच कंफ्यूजन को बढ़ाया है और अधिकारों की लड़ाई में ऐसे उलझे हैं जो अब तक सुलझ ही नहीं पाया। ताजा मामला दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो का है, जिसमें केजरीवाल ने बिहार से बुलाकर 6 पुलिस अफसरों को नियुक्त किया है। इस नियुक्ति ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद को गहरा दिया है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में अधिकारियों की कमी है, इस वजह से बिहार से 6 पुलिस अफसरों को बुलाया गया है, जबकि उपराज्यपाल का कहना है कि एसीबी में नियुक्ति बिना उनकी मंजूरी के नहीं हो सकती और उन्हें इस नियुक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जब ऐसा कोई मामला उनके सामने आएगा तो वो जाँच के बाद फैसला लेंगे। इधर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूती नहीं देना चाहती। एसीबी से केंद्र सरकार डर गई है और बौखलाहट में ये सब कर रही है। जो रोजाना केंद्रीय गृह मंत्रालय है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसके इशारों पर काम करके दिल्ली सरकार के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत होगा तो उससे डरने की जरूरत किसको है? दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों का रुख किया था और इसी के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर एसीबी के लिए 6 पुलिस अफसरों की मांग की थी, जबकि एलजी के कार्यालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक एसीबी उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस अधिकार क्षेत्र को गृह मंत्रालय की ओर से भी स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल एसीबी के अधिकार क्षेत्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत का फैसला क्या आता है, लेकिन इतना तो तय है कि केजरीवाल और उपराज्यपाल के इस जंग में दिल्ली की आम जनता पिस रही है। खुद बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करना है, बल्कि विकास से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है।
दिल्ली से कैमरामैन पंकज के साथ रमाकांत सिंह, चैनल वन न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से इस पूरी रिपोर्ट में साफ हुआ है कि आखिर मुद्दा है क्या। इस मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रमाकांत सिंह ने। एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री में टकराव शुरू हो गया है। इस बार टकराव की वजह बनी है ACB। जी हाँ, ACB में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस को शामिल करने की बात कही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी। हरी जी, ये टकराव है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा, रोज नए नित नए आकार में पैदा हो रहा है। इस बार ACB जो सबसे प्रिय है मुख्यमंत्री को, उसमें बिहार से पुलिस ला रहे हैं, पुलिस कर्मी ला रहे हैं, क्या कहेंगे? लगता है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार काम करने की बजाय कन्फ्रंटेशन की राजनीति उनको ज़्यादा पसंद आ रही है। उनको शौक हो गया कि हर रोज कोई ना कोई नया विवाद पैदा करके लोगों का ध्यान और मीडिया का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचा जाए, ये नज़र आता है। जिस प्रकार से अब वो ACB के बारे में उनका कहना है कि बिहार से DSP रैंक और ACB रैंक के लोग अधिकारी को लेके आएंगे, सवाल दो इसमें अंदर उठते हैं। क्या आपको दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है, पहला? दूसरा, क्या आपको ये अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनली या नहीं? क्योंकि अभी मामला कोर्ट के अंदर भी है और वहाँ पे कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी नियुक्ति LG के पूछे बगैर होगी नहीं। तो आप LG से बिना पूछे और ACB के मामले में जब कोर्ट अपने अभी डिसीजन देना है, अभी कोर्ट का फैसला आने तो दीजिए, वेट तो करिए क्या होना है क्या नहीं होना। आप रोज कोई ना कोई विवाद पैदा करते हैं, रोज टकराव की राजनीति करते हैं, रोज आप विकास आप करने की बजाय आप अन्य सभी अब बोलेंगे जी हम तो भ्रष्टाचार के ऊपर कर रहे थे। जी अगर आप भ्रष्टाचार पर इतने ही सीरियस हैं और इतने ही आपको दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो मैं दो प्रश्न पूछना चाहूँगा और उसका जवाब चाहता हूँ सिंसियरली कि दिल्ली के अंदर लोकपाल के ऊपर आपने पिछली सरकार गिराई थी, आपका प्रिय विषय था लोकपाल, उसका क्या हुआ? सरकार आपने 100 दिन से ऊपर हो गए, कोई लोकपाल का नामो निशान नहीं, और अभी आपने खुद कल अनाउंस किया कि बजट इस सेशन के अंदर हम लोकपाल नहीं लेके आएंगे, पहला। दूसरा, आज दिसंबर से पहले का लोकायुक्त नहीं है दिल्ली के अंदर, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लोकायुक्त नहीं है। इसी लोकायुक्त के बारे में आपने बहुत टिप्पणियां करी थी, आज लोकायुक्त दिल्ली में नहीं है, लोग क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं आप, उसका कारण बता देता हूँ आपको। और मेरा सीधा सीधा आरोप है इस सरकार के ऊपर कि आपके 12 MLA फंसे हुए हैं और 2 मंत्री के ऊपर केस भी चल रहा है, चाहे फर्जी डिग्री का मामला हो, चाहे अनेक ऐसे मामले हो, उसमें कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर लोकायुक्त दिल्ली के अंदर आ गया तो इनके मंत्री कहीं ना कहीं और MLA कहीं दिक्कत ना हो जाए, इस चक्कर में आप लोकायुक्त अपॉइंट नहीं कर रहे। ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत बनाइए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली समझ में आ रही है उनको कि किस चक्कर में फंस गए हैं। ये थे हरीश खुराना, जिन्होंने साफ कहा कि बिजली पानी की कमी को लेकर के जहां उनकी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, जिला स्तर पर प्रोसेस किए जाएंगे, इसके बाद अगले हफ्ते से मंडल स्तरों पर ये प्रयास किए जाएंगे, प्रोटेस्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ACB की में बिहार पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने साफ कहा है केजरीवाल का ध्यान सीधा सीधा एकदम विवाद पैदा करने के लिए है, ना कि विकास के लिए। दिल्ली से कैमरामैन पंकज के साथ रमाकांत सिंह, चैनल वन न्यूज़। तो देखा आपने, सभी पार्टी सभी राजनीतिक दल इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बावजूद, इस विवाद के बावजूद, विवाद थमा नहीं है, वही का वही यूं ही का यूं ही पड़ा है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे लिए बहुत ही अहम विषय है क्योंकि काफी वक्त से चला आ रहा है, दिल्ली की राजनीति कम से कम पूरी तरह से गरमाई हुई है इसी मुद्दे को लेकर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 4 मेहमान मौजूद है, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है राजेश यादव, नेता कांग्रेस। हमारे साथ मौजूद है ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव निगम, नेता आप, और मुकेश वाजपेयी, नेता BJP हमारे साथ में मौजूद है। ललन जी, सबसे पहले प्रश्न मैं ये करना चाहूंगी, आखिर ये हो क्या रहा है? मामला पूरा विवादों में घिरा, लगातार बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई और मामला पहुंचा कोर्ट, कोर्ट ने भी अपना जो फैसला है, जो शुरुआती फैसला हम कह सकते हैं, उसे सुना दिया है, उसके बावजूद ये तकरार यूं ही चली आ रही है, किस तरह से आप देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, केजरीवाल का अब यह अनुभव हो गया है कि जितना ही विवादों में रहेंगे उतना ही उनको लाभ होगा, और इसलिए एक न एक सगोफा छोड़ते रहते हैं। अब अभी जो हुआ है ACB को लेकर, इसमें तो इन्होंने एक तीर से दो शिकार मारने की कोशिश की है। एक तो ये कि केंद्र के ऊपर ये अपना दबाव बराबर बनाए रखना चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और दिल्ली मेरी मर्जी से चलेगा, और दूसरा ये कि धीरे धीरे केजरीवाल हिंदुस्तान के और हिस्सों में भी अपना पैर पसारने की कोशिश करेंगे।
अब इन्होंने पहले ममता से कोशिश किया था, अब देखिए नीतीश कुमार से कोशिश किया और एक रैपर्ट कायम किया, तो इस तरह से और प्रदेशों में भी धीरे धीरे, और जब इसके पहले एक बयान आपको याद होगा उन्होंने दिया था कि मैं देश के और सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूँ कि जो उस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है ठीक नहीं है और ओवर पावर कर रही है और राज्यों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह से इन्होंने अपनी जो इनकी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इनका लगता है कि अगले चुनाव आते आते ये अपनी जमीन और भी कई राज्यों में। 6 पुलिसकर्मी बिहार से मंगाना क्या पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है? बिहार पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। देखिए वो 6 पुलिसकर्मी और कहीं से भी आसपास से भी आ सकते थे, दिल्ली में सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि उनको बिहार में अपना संबंध बनाना था नीतीश कुमार से और इनके थ्रू, बाकी नीतीश कुमार को इसका क्या फायदा होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार के दिन बड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं। जो उनकी महागठबंधन थी वो तो लगभग बिखर ही सी गई है और शायद ही उसमें आगे कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, बाकी जो अगर वो आपसे आप पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो उनकी अपनी जमीन और खिसकेगी, क्योंकि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी जमीन तैयार की है, उस तरह से अगर आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बिहार में भी अपनी जमीन तैयार करने शुरू करेगी तो नीतीश कुमार के लिए। संजीव जी, क्या वाकई बिहार में जमीन तलाश रहे हैं आप, जबकि आप कहते हैं कि हम दिल्ली में, अभी दिल्ली में ही बहुत कुछ संभालना है, बाहर के लिए नहीं? नहीं, उनके कहने से तो देखिए वो बहुत बार बहुत सी चीजें कहे हैं और उसके बाद पलट जाते हैं, तो ये पलटने का तो उनका मेरे ख्याल है रिकॉर्ड हो गया है। बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि जो इतनी जल्दी पलट जाते हैं रहे होंगे। बहुत बार उन्होंने इस तरह का जवाब हम संजीव निगम जी से ले लेते हैं, नेता आप हमारे साथ में मौजूद हैं। संजीव जी क्या कहेंगे, बिहार में क्या जमीन तलाश रहे हैं? देखिए सवाल, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ, काम को गति देने के लिए। आज थोड़ा सा पीछे, आज आपने देखा होगा दिल्ली से वो एक ट्रेन भी गई है, गतिमान एक्सप्रेस आगरा के लिए, बड़ी तेज गति से जो है उसको फाइनल होने में। तो हमारे कहने का मतलब, हम भी अपने काम को गति दे रहे हैं, हम उसकी स्पीड को कम ना हो पाए, धीमे ना हो पाए, क्योंकि हमें जो है सरकार चलाना नहीं है, काटना नहीं कि 5 साल पूरे करने हैं, हमें 5 साल में बहुत कुछ ऐसा करके दिखाना है कि एक मिसाल हिंदुस्तान में कायम करनी है कि हाँ नहीं हमने किया है। तो अब उस सिलसिले में अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हमको बिहार से, हो सकता है कल आप देखें कि उत्तर प्रदेश से कुछ ऑफिसर उन्होंने लिए, परसों देखे हो सकता है बंगाल से लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार से लिए, उनको जहां कहीं से ऐसा लग रहा है कि हम ला करके उसको इतना स्ट्रांग बना दें कि वो जो सोच है दिल्ली को, हमने कहा था ना कि करप्शन फ्री दिल्ली बनाएंगे, तो उसको मजबूती देने के लिए काम कर रहा है। उसके पीछे उसको मजबूती देने के लिए आपने बिहार ही चुना, और आप कह रहे हैं कि बिहार में आप जमीन नहीं तलाश, हो सकता है, मैं वही बता रहा हूं, हो सकता है कल उत्तर प्रदेश आ जाए, परसों बंगाल आ जाए, तो सब कुछ ऐसा नहीं। आप जो ये पहला है ऐसा बाहर से कोई खेप आई है, बाहर से ऑफिसर आए हैं, तो आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इसी कड़ी में कोई दूसरा राज्य भी हो सकता है जहां से अच्छे और चुनिंदा उनको भरोसेमंद, मतलब एक्सपर्ट उस चीज को अंजाम तक पहुंचाने वाले ऑफिसर लग रहे हैं, वो बुला करके एक ऐसी एक मिसाल कायम करना चाह रहे हैं, तो उसमें तो कैसी मिसाल आप कायम करना चाह रहे हैं ये समझने वाली, राजेश जी क्या कहेंगे? जी ये सोची समझी रणनीति के तहत कह रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं एक रणनीति है। इन्होंने जो बाहर से जो अधिकारी बुलाए हैं वो 4 स्टेट हैं, एक यूपी है, 15 अधिकारी बुलाए, पश्चिम बंगाल है वहां से 15 अधिकारी बुलाए, और उत्तराखंड से 4 अधिकारी बुलाए हैं, और सबसे पहले बिहार से 6 अधिकारी हैं। सो फर्स्ट जो है खेप है जो बिहार की है। अब देखिए चारों स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर इन्होंने ये रणनीति के तहत ये कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कोई पार्टी विरोध करेगी तो वहाँ के लोग जो है, बिहार की बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में भी लोग रहते हैं, तो कहेंगे देखो आपके लोगों को हम आप लोगों को लाना चाहते हैं, यहाँ फलानी फलानी ये गवर्नमेंट बैठी है, विरोध में जो पार्टी, मतलब पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित है कि आपने 6 पुलिसकर्मी बुलवाए, आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बिहार ही चुन रहे हैं, बिहार में जड़े मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम गति देना चाहते हैं, जैसे कि अभी संजीव जी कह रहे हैं गति नहीं देना चाहते हैं। अगर गति देते, विकास की गति देते, विकास की तरफ कोई कदम उठाते तो दिल्ली में काम करने के लिए बहुत काम है। दिल्ली जो 10 साल पहले, 5 साल पहले जो दिल्ली थी वो दिल्ली ना रही, 10 साल पीछे पिछड़ गई है। आप पूरे दिल्ली में जाइए,
मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली का इस समय, बहुत चीजों में मेंटेनेंस इस समय नहीं हो रहा है। ऐसे ही हाथों में अगर दिल्ली रही तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। ये रणनीति के तहत काम करना बंद, रणनीति के तहत काम हो रहा है। यहाँ पर वाजपेयी जी क्या कहेंगे? आप पूरी बात आपने सुनी है, तीनों लोगों की बात आपने सुनी है। संजीव निगम जी का कहना है कि भाई हम गति दे रहे हैं धीमे धीमे और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए ये तमाम कवायदे। गीतांजलि जी बड़ी स्पष्ट सी बात है, 100-125 दिन हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को। पहला महीना इन्होंने अपने अंदरूनी कुछ लोगों को निकालने में बिताया, दूसरे महीने में इन्होंने अननेसेसरी के टकराव मोल ले लिए। अब एक बात आप देखिए कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था किसी कांस्टेबल के फेवर में कि हाँ ठीक है आप ये दिल्ली गवर्नमेंट इसको गिरफ्तार कर सकती है। उसके उसमें एक नोटिफिकेशन उस दिन जारी भी नहीं हुआ था, लेकिन उस पर एक चालकी से टिप्पणी करी थी। ये हाईकोर्ट गए उस पर स्टे के लिए, उस नोटिफिकेशन के खिलाफ स्टे लेने के लिए। हाईकोर्ट ने वो स्टे नहीं दिया, स्टेटस को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट गई कि दोनों की सीमाएं क्या हैं इसको डिफाइन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 3 महीने का नोटिस दिया कि 3 महीने में आप अपना जवाब दाखिल करिए, जब तक जैसे पहले परंपरा चली आ रही है वैसे काम होगा। फिर अटक गए। देखिए सुनिए, अगर इनको ऑफिसर्स मंगाने थे कहीं से मंगाएं, इंडिया एक है, कहीं से भी मंगाएं, यूपी से मंगाएं, केरल से मंगाएं, कहीं से मंगाएं, लेकिन प्रोसीजर तो फॉलो करें। LG साहब को भेजते, LG साहब को प्रस्ताव करके पास करके भेजते, उसके बाद वो उन ऑफिसर्स को मंगाते। क्या पहले नहीं मंगाया? गोवा से 4 ऑफिसर्स इन्होंने मंगाए, इनको दिए गए और वो चारों के चारों 15 दिन बिना काम के बैठे रहे घर पे, उनसे काम नहीं लिया गया। 18 ऑफिसर्स IAS इनके सेंट्रल गृह मंत्रालय में चिट्ठी देते हैं कि जी हम यहां पे काम नहीं करना चाहते। और एक और चीज, सबसे बड़ी चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है। देखिए दिल्ली पुलिस अभी तक इस ACP को दिल्ली पुलिस संभालती रही, अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है इनका, या दिल्ली पुलिस को ये नकारा समझते हैं? जरा जवाब दे मेरे, आपके प्रतिनिधि संजीव निगम जी बैठे हुए हैं, और इससे दिल्ली पुलिस में क्या मैसेज जाएगा? क्या ऐसे मिलजुल के काम होगा? आप एक संस्था को आप उसको पूरी तरह से डिनाई करके उसके ओवररूल करके दूसरे ऑफिसर्स को ला रहे हैं, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस के हाथ में, दिल्ली पुलिस संभालती है, और वो अभी ACP भी अभी तक वही संभाल रही थी। और एक मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, एक जो नोटिफिकेशन जो इनका ये है जिसमें ये है, इसमें इस पर लिखा हुआ है कि एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ डायरेक्टरेट इज सिचुएटेड इन द सो एंड सो इस जगह पे एंड एज ए पुलिस स्टेशन वाइड नोटिफिकेशन नंबर ये है ना, एंटी करप्शन ब्रांच इज एज ए पुलिस स्टेशन हैविंग ज्यूरिडिक्शन ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। मतलब ये ACP की जो ब्रांच है वो कोई संवैधानिक नहीं है, ये सिर्फ एक पुलिस स्टेशन की तरह है जिसमें 9 से 6 काम होगा और कभी जरूरी होगा तो 24 घंटे काम होगा। तो जब ये पुलिस स्टेशन की तरह है तो इसमें दिल्ली पुलिस के बहुत ईमानदार ऑफिसर है, आप ढूंढिए, एक ढूंढेंगे आपको 50 मिलेंगे। संजीव जी जवाब दीजिए, लेकिन अरविंद जी के जो साथ में, जो अरविंद जी तो सत्ता में आ गए, जिनको सत्ता नहीं मिली है वो इस तरह की लड़ाई करवा के, सलाह दे के, इस तरह की बात करके इस मुद्दे को इस तरह से करना चाहते हैं। तीसरी बात, एक और बात जी, इन्होंने आज 150 दिन में एक बार भी लोकपाल के विषय पे, लोक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लोकायुक्त के विषय में क्या कर रहे हैं, लोकपाल के विषय में क्या कर रहे हैं? गर्मी पड़ रही है, दिल्ली के लोग परेशान है, हर चैनल पे आप देख लीजिए पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो जमुना पार हो, चाहे द्वारका हो, चाहे संगम विहार हो, पूरी दिल्ली पानी के लिए आज तरस रही है, एक एक बूंद पानी के लिए। उस विषय में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई विषय होता है तो ये अपने प्रवक्ता को कह रहे थे आप मीडिया के सामने। निगम जी ऐसा क्यों है? आप नियुक्तियों में ही क्यों अटक गए हैं? आप ट्रांसफर में ही क्यों अटक गए हैं? ये अभी देखो मुकेश वाजपेयी जी ने खुद बता दिया ये बात को कि ये ACP एक पुलिस स्टेशन के तरीके है काम कर रहा है। तो पुलिस स्टेशन का क्या मतलब होता है कि उसके क्षेत्र में, उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में कहीं भी किसी भी किस्म का अपराध होता है, कोई भी हो, वहां पर ऑफिस हो, दफ्तर हो कोई, तो वो उसका हक है वहां जाकर के इंटरफेयर करता है ये पुलिस स्टेशन। तो अभी यही जब ACP पुलिस स्टेशन की तरीके है तो उसके अंदर दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे जो, वो सब आते हैं। यही झगड़ा, यही फसाद चल रहा था जो कि अभी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि वो नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। तो अब वो जो मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट से ही वहां से निर्णय आएगा, जो आएगा वो फिर उसमें देखा जाएगा। लेकिन हम आपको बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन के तरीके था तो उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की गई। अब आज की बात, अब आप ये देख लीजिए ये जो किया गया है, क्या दिल्ली सरकार सिर्फ इंतजार करती रहेगी? ठीक है, कोर्ट का अपना फैसला है, जो आएगा वो आता रहेगा, लेकिन जो काम करने हैं, जिस तरीके कोर्ट ने फैसला दिया उसको तो प्रोसीजर को तो फॉलो करेंगे ना संजीव जी, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, आप उसके हिसाब से काम करेंगे ना, उस फैसले को तो मानेंगे। आप कहते थे कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम कोर्ट जा रहे हैं, आप कोर्ट में पहुंचे, आप कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरीके से करिए, आप उस बात को भी नहीं मानते हैं।
चुने हुए सरकार है और दिल्ली की बिल्कुल ही अव्यवस्था जो इतने वर्षों से अव्यवस्था रही है उसको सुधारने के लिए अगर कोई कार्य कर रही है तो भाई अगर ये आप कहें या अपने लिए मान लीजिए वो साहब कोई बनवा रहे हैं कोई सुविधाएं ले रहे हैं कोई बढ़िया सूट बूट और उसके तरीके अरे सिंपल कपड़े पहन करके वो रहते हैं देश के उस प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं कैसे कपड़े पहनते हैं इससे देश को सरोकार नहीं है क्या पहनते हैं इससे देश को सरोकार नहीं है सिंपल सारे कपड़े पहनकर आप ये देश में साबित नहीं कर सकते क्या बहुत बेहतर काम कर रहे हैं आपको दिल्ली पुलिस में कोई ईमानदार अफसर नहीं दिखाई पड़ता क्या सारे ईमानदार है फिर सारे ईमानदार लेकिन ये मुख्यमंत्री का या दिल्ली कैबिनेट का विशेषाधिकार है आपको किसे पसंद करता है किसे कहा ये हमारे आज जो घटना घटी है आज जो घटना घटी है मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट की भी अवमानना है बिल्कुल बिल्कुल जब कोर्ट में केस जा चुका है अपना फैसला सुना दिया है कोर्ट ने कहा है आपको अब ऐसे करना है इतना रुकना है और इतना चलना है आप कोर्ट के फैसले की भी अवहेलना कर रहे हैं आप उस फैसले को ही नहीं मान रहे दूसरी बात एक और है बिल्कुल मैं ललन जी आपकी बात बिल्कुल सुनूंगी और बहुत ही अहम मुद्दा इस वक्त छिड़ा हुआ है लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा यूं ही जारी है के बाद स्वागत है आपका हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उस विवाद की जो अब बढ़ रहा है लगातार मामला कोर्ट तक गया लेकिन कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद भी किसी सिरे तक नहीं पहुंचा है विवाद लगातार जारी है यह विवाद आखिर क्यों हो रहा है या इस विवाद के पीछे कोई राजनीति है राजनीति से प्रेरित है यह विवाद या वाकई इसमें कोई ना कोई बात है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में चार मेहमान मौजूद हैं मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूं हमारे साथ मौजूद हैं राजेश यादव नेता कांग्रेस ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार संजीव निगम नेता आप और मुकेश वाजपेयी नेता बीजेपी हमारे साथ में मौजूद है मुकेश जी ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से अभी संजीव जी का कहना था कि भाई हम तो सादे कपड़ों में रहते हैं हम जनता के बीच सादे तरीके से जाते हैं हम जनता के लिए करने को तैयार हैं हम ये करना चाहते हैं लेकिन क्या किया ये बताने को तैयार नहीं है और अब ये जो पूरा मामला है जो नियुक्तियों से जुड़ा है जो ट्रांसफर से जुड़ा है इसका पूरा अधिकार एलजी साहब के पास है फिर दोबारा से वो विवाद जन्म लिया है क्या कारण माना जाए क्या अरविंद केजरीवाल किसी की बात मानने को तैयार नहीं है सुनने को तैयार नहीं है सोचते हैं कि भी जो हम कहेंगे जो हम करेंगे वही होगा बिल्कुल शुरू से लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड इनका है और जो जनता देख रही है जनता अपने को छला हुआ महसूस कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया वो फाइनल है वही करना है इवन हाई कोर्ट के फैसले को भी मानने में इनको एतराज है
और ये तो ललन जी सही कह रहे हैं, ये तो इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है कि हाई कोर्ट ने जब एक डायरेक्शन दे दी है कि आप जो भी कोई फैसला प्रस्ताव भेजेंगे एलजी उसको देखेंगे, अगर एलजी को लगता है इसमें कोई कमी है तो वापस आपके पास भेजेंगे, और दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। तो इस प्रोसीजर को फॉलो ना करके आप एल मुझे मार नहीं, मैंने तो ये काम ही ऐसा करना जिससे लड़ाई हो, जिससे कि कहीं ना कहीं मनमुटाव हो, जिससे कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का हो कि मीडिया में हमारी चर्चा हो। अरे पॉजिटिव कामों के लिए आपके यहाँ मीडिया में चर्चा हो तो बात समझ में आती है। आपने वाईफाई के लिए क्या करा, पब्लिक सुनेगी, पब्लिक को आप बताइए क्या करा, उस बारे में कोई कहीं विचार नहीं। आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पे बनी थी, जन लोकपाल और लोकायुक्त कानून, और दोनों की गिनती नहीं आप है। बता दीजिए उसमें आपने एक रत्ती भर भी आगे काम बढ़ाया हो तो कुछ काम नहीं। देखिए दिक्कत यही है, अब इनको धीरे धीरे जो इनके सलाहकार हैं वो ये समझाने लगे हैं कि दिल्ली तो हमने कब्जा कर ली है, इसी तरह से हम और प्रदेशों में भी किसी के साथ गठजोड़ करके, किसी के साथ मिलके, किसी तरह से भी पब्लिक को बेवकूफ बना के काम कर सकते। वाजपेयी जी, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई हम दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली से बाहर अभी हमारी स्थिति नहीं है, अभी तो दिल्ली में ही बहुत कुछ है, और दिल्ली से बाहर जाने के मुद्दे पर ही इनकी पार्टी के कई वरिष्ठ ऐसे लोग हैं जो नाराज थे, जिनके बीच में हमने देखा कि किस तरह से वो नाराजगी क्या क्या बन गई, पूरा एक विवाद हो गया, खैर एक वो एक अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो दिल्ली में ही रहेंगे, नहीं, तो फिर ये कैसा जाना हुआ? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को कहना नहीं, रहना ही दिल्ली में चाहिए, और दिल्ली में रह के जो वादे करें दिल्ली की जनता से उसके ऊपर विचार करना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट जो है वो जीरो है। अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से खड़ाऊ जो है मनीष सिसोदिया को दे दी है, मनीष सिसोदिया जी राज कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अब पीछे के बैकडोर के थ्रू बाहर की पॉलिटिक्स में अपना स्थान तलाशने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। आए दिन जो लड़ाई का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि देखिए बिहार में आपने देखा होगा कि पीछे एक बड़ा जोर शोर से गठबंधन बना कि जी जनता परिवार एक हो रहा है, जनता परिवार एक हो रहा है मोदी जी के खिलाफ। उसके बाद कल एक स्टेटमेंट अजय यादव जी का आया वहां पे बिहार से कि जी हम नीतीश कुमार को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हम तैयार हैं, हम उनसे गठबंधन करेंगे। अब ये भी इसी ताक में है कि किसी तरह से मोदी के जो विरोध में पार्टियां लामबंद हो रही हैं उसमें हम भी एंट्री करें और हमारे नेतृत्व में किसी तरह से ये सारा का सारा गोलमेज हो जाए, पूरा का पूरा गठबंधन। अब कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने आप ही कबूल लेते हैं कि हमारे पास नेता नहीं है, बिहार में हमारे पास कुछ भी नहीं है, राहुल के बस की बात नहीं है, इसलिए हम नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो इनको भी ये लगता है कि एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरने के लिए अपोजिशन में हो सकता है कि हमारे केजरीवाल जी उस वैक्यूम को भरें और ये सारे के सारे जितने भी मोदी विरोधी दल जो है विरोध के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं वो हमारे पीछे आ जाए। ये बेसिकली राजनीति है। राजेश, देखिए इनके पास तो दिल्ली में भी नेता थे, दिल्ली का क्या हसन हुआ? हमारी कह रहे हैं बिहार में नेता नहीं है, इन पर तो दिल्ली में नेता थे, इन्हें तो घोषित करें। अजय यादव वहां के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है, हमने करा, हमने क्या बोला है, हमने बोला है सारी पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ेंगी। उन्होंने बोला है कि हम और हमारा और नीतीश कुमार का हम छोड़िए तैयार है उनको चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब यही है कि आपके पास वहां पे कोई लीडरशिप नहीं है। नहीं, हमारा गठबंधन पहले से है, आरजेडी के साथ है और सबको मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरा क्या है, इस देश का यही तो दुर्भाग्य है, कोई कहता है मैं सादे कपड़े में, सादे कपड़े का विकास से क्या ताल्लुकात है, काम करने से क्या ताल्लुकात है, कोई कहता है मैं गरीब के घर पैदा हुआ हूँ, कोई कहता है मैं चाय बेचने वाला हूँ जी, चाहे वो प्रधानमंत्री बनके चाय वाले के दिन एक दिन नहीं गया हो, गरीब के घर एक दिन रोटी ना खाई हो, गरीब के घर एक दिन नहीं गया हो, और सादे कपड़े, इससे विकास से क्या लेना देना है इन सब चीजों का? अब ये कह रहे हैं सादे कपड़े का विकास से, ये तो ढोंग है, ढोंग करते हैं, ये नाटक करते हैं, देश की जनता को एक मतलब जो विकास करना है, जो वादे कर रहे हैं उनसे गुमराह करते हैं, गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं ये। उसमें केजरीवाल जी और हमारे ये सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के माहिर हैं इसमें कला में। अच्छा, तो राहुल जी ने सूट-बूट की चर्चा क्यों कर दी? राहुल जी ने जो सूट-बूट, राहुल जी तो आपने कह रहे हैं कि विकास के मामले में कपड़ों का कोई महत्व, राहुल जी ने कहा राहुल जी तो गरीबों के घर गए, दलितों के घर गए, खाना खाया है वहाँ रहे, आपके प्रधानमंत्री है कि नेता लोग गरीबों के घर भी जाते हैं, किसान के यहाँ भी जाते हैं, बातें भी करते हैं, और तमाम तरह के कवायदों के बाद भी देश की जनता गरीबी की मार झेल रही है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी देश का विकास सिरे नहीं चढ़ पा रहा। हालांकि इसमें जो इच्छा शक्ति है जाहिर बहुत सी की जाती है, लेकिन जब वो करने की नौबत आती है तो दिखती नहीं है। ललन जी देखिए जी, इस मसले को लेकर शुद्ध राजनीति समय हो रही है, इसमें ना तो दिल्ली की जनता का कोई भला होना है
और ना तो नेशनल पॉलिटिक्स का। दिल्ली की जनता का भला इसलिए नहीं होना कि कंसंट्रेशन जो केजरीवाल का चाहिए था दिल्ली को डेवलप करने का, वो काम तो बिल्कुल पीछे हो गया। बिल्कुल पिछले 5-10 सालों में कांग्रेस ने भी, मैं तारीफ करूंगा शीला दीक्षित जी, जितना काम उन्होंने किया दिल्ली का, उन्होंने सारा नक्शा बदल दिया। उस तरह की कोई बात अब इस समय दिल्ली में नजर नहीं आ रही और सब चीजें बिखर गई हैं। देखिए पानी की समस्या आप देख रहे हैं डेली क्या हो रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क भी दिल्ली में इतना पहले चल रहा था सब लगभग रुक सा गया है। तो दिल्ली इस वक्त बुरी स्थिति में है। तो एक तरफ तो दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ जो ये लामबंदी मोदी के खिलाफ करना चाहते हैं और जिसमें वो चाहते हैं, वाजपेयी ने ठीक कहा कि ये चाहते हैं कि ये उनकी लीडरशिप लें और धीरे धीरे सब मुख्यमंत्रियों से जो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा एजेंडा इनका है। और ऐसा लगता है कि एजेंडा को बढ़ाने के लिए हर तरह का हर तरह की नाटकबाजी करेंगे, जैसे शुरू से करते आ रहे हैं। जब शासन में आए तो ये क्या सेक्रेटरी के सामने बैठ गए धरना देकर, और फिर धरने की राजनीति शुरू किया सब किया। तो इस तरह की एक एक चाल जो देखने को आ रही है केजरीवाल की, ये बराबर अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए और अपनी छवि को देश में, पूरे देश में धीरे धीरे फैलाने के लिए इस तरह के प्रयास इन्होंने किए हैं और इसमें आंशिक रूप से सफल भी हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, अगर अपने पांव बाहर पसारने हैं, दिल्ली से बाहर जाने हैं, तो खुलकर कहें कि हम दिल्ली के बाहर भी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों को घेर ले जैसे पहले घेरते आए हैं, तो फिर आखिर इसे छुपाने की वजह? ये तो रणनीति है कि छुपाकर ये चीजें ज्यादा सक्सेसफुल होंगी बनस्पत खुल के सामने आ जाने कहने से। ये तो उनकी अपनी रणनीति है और मेरा ख्याल इसमें आंशिक रूप से वो सफल भी हुए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस समय ये है कि मामला कोर्ट में लंबित है। अच्छा, इनके केस में कोर्ट ने भी बहुत त्वरित एक्शन दिया। देखिए कोई भी जो भी केस इनका गया अभी कोर्ट में, उसमें कोई समय नहीं मिला लगा है। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा था कि कोर्ट में मामले चले जाते हैं और फिर क्या सरकार काम न करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुद्दा इतना है हाई कोर्ट में, देश की बात है, देश की राजधानी से जुड़ी बात है, कई ऐसे मसले हैं उनके खिलाफ आदेश दे दिया कुछ दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया केस, वो भी तुरंत वहां से आदेश आ गया। तो आपके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल तो वही है ना ललन जी, कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं भाई हमने तो जो करना है हम करेंगे, हमें विवादों की राजनीति करनी है, हम वो करके रहेंगे। फिलहाल ये चर्चा जारी रखेंगे। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं कि वो इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल अन्य अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन सतीश उपाध्याय का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। उपाध्याय जी, दिल्ली की अगर बात की जाए, एसीबी को लेकर फिर दोबारा एलजी और अरविंद केजरीवाल से रार हो सकती है, क्या लगता है कि बिहार से ऑफिसर मांग के ज्यादा ईमानदारी दिखा रहे हैं? देखिए, जिसने ये तय कर रखा हो कि शासन मुझे नहीं करना है, मेरा प्रशासन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिल्ली के बिजली पानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल कन्फ्रंटेशन और झगड़ा करना है, संविधान के तहत सारी चीज़ें व्याख्यात हैं कि किसको क्या करना किसको क्या नहीं करना। दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, आपको सर्विसेज आपके हाथ में नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसके बारे में तय करना है, लेकिन आप यूनिलेटरली अपने आप कुछ तय नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ऐसी क्या इमरजेंसी है कि आपको बिहार के अफसर लेने की ज़रूरत है? आप दिल्ली पुलिस के अफसर हैं, दिल्ली पुलिस से आप ले लीजिएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर से आप बात करिए। पर उपाध्याय जी, क्या लगता है कि जब बिहार से ऑफिसर मंगाए जा रहे हैं, 5 ऑफिसर मंगाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस से, क्या उनको विश्वास नहीं है कि दिल्ली पुलिस में ईमानदार ऑफिसर बचे? ये ईमानदार सब दिल्ली पुलिस के ऑफिसर ईमानदार नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जिसको कन्फ्रंटेशन करना है तो वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में तमाम समस्याएं अभी पड़ी हुई हैं, उनको छोड़ करके कभी बिहार से अफसर लाना, कभी कहीं से अफसर लाना, दिल्ली पुलिस दिल्ली में सब कुछ है लेकिन ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। तो ये थे सतीश उपाध्याय, जिन्होंने साफ तौर पर बोला जिस तरीके से बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो सिर्फ वो पॉलिटिकल एजेंडा बना के तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास के अंदर अड़चन पैदा हो रही है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ रामनीत भट्ट, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तो सभी की इस पर अपनी अपनी राय है, लेकिन यहाँ 4 लोगों का जो पैनल बैठा है इनकी क्या क्या राय है जान लेते हैं। और हम एक बार फिर से रुक करें, संजीव निगम नेता आप हमारे साथ में जुड़े हुए, संजीव जी क्या कहेंगे आप? ये बड़ी कंट्राडिक्टरी बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार कहती है कि भाई आवश्यकता आप यहाँ से लीजिए। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले संजीव चतुर्वेदी जो कि एम्स में रहे बड़े अच्छे ऑफिसर थे, उनके लिए रिक्वेस्ट किया था दिल्ली सरकार ने, उन्होंने नहीं दिया। तो
अब हम रिक्वेस्ट करते रहे, सिर्फ कागजी कार्रवाई करते रहे साहब ये, तो सवाल ये है कि सरकार ऐसे नहीं चलेगी, जनता ने चुन करके भेजा है तो हम उसमें त्वरित एक्शन, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं आप किसी वजह से तो ठीक है, तो अगर उनको उचित लगता है तो उन्होंने वहां से कर लिया, तो कौन सा ऐसा असंवैधानिक कार्य कर लिया है? वो सवाल ये है कि हम जिस चीज को करप्शन को मिटाना चाह रहे हैं तो अपने विवेक से अपने अनुभव संजीव जी आप मौका तो दें उन लोगों को काम करने का, कर रहे हैं जिन लोगों को नियुक्त करके भेजा जा रहा है, आप उन्हें काम करने का मौका दें? मैं आपको यहां पहले ही कैसे कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आप तो फिर दुनिया ही भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई, ऑफिसर्स भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, राजनीतिक दल भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री को हटाया गया वहां की, और दोबारा वो मुख्यमंत्री भी बनी है कुछ दिनों पहले जो है तमिलनाडु में जयललिता जी। तो मतलब मेरे कहने का है कि अगर कोई गलत काम, कोई असंवैधानिक कार्य है तो मुख्यमंत्री यहां तक की तैयार है कि आपने देखा होगा पीछे भी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में चले गए थे, और फिर अगर कोई असंवैधानिक कोई गलत कार्य होगा, कोई अहित में जन मतलब जनहित में कार्य नहीं होगा तो जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं ना। आप ही देखिए ना, हम अगर हम जो काम कर रहे हैं हम जनहित में काम कर रहे हैं, अगर जनहित के अलावा होगा तो हम तैयार बैठे हुए हैं, हमको आप जेल दीजिए, जेल भेज दीजिए ना, और क्या करेंगे हम? कोई लूट नहीं रहे, कोई खजाना लूट नहीं रहे, अपने आदमी को कुर्सी में नहीं बिठा रहे कि अपने जो है रिश्तेदारों को कुर्सी में बिठा रहे हो, हम हिंदुस्तान के कोने से ला रहे हैं एक अच्छे जिन पर लग रहा है कि ठीक है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है हर जगह, चार लोग हैं, चार लोगों में से उन्हें लगता है कि ये जो बात है संजीव जी ने, हम जनहित में कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हमें आज भी हम बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसी नौबत आई तो ठीक है हम बैठे जेल भेजिए, आप 356 इस्तेमाल करिए, आप करिए, आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जेल भेज दें हमें, आप कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं, हम जनता का भरोसा नहीं तोड़ सकते, हम जनता का भरोसा, जनता को वादा करके आए हैं, इनकी हम हमारी नियत में नहीं, नियत आम आदमी पार्टी, हम बाहर नहीं जा रहे। देखिए आप लोग अभी हमारे दोनों साथी बता रहे थे कि ये साहब बाहर जाना चाह रहे हैं, ये अपने पॉलिटिकल पैर बढ़ा रहे हैं, भाई ये आपका अपना नजरिया हो सकता है, ठीक है आप देख रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने वायदा कर दिया आपको उनकी बात पे भरोसा नहीं कि हम दिल्ली को पहले एक मॉडल राज्य बनाएंगे, हम करके दिखाएंगे जो वायदे करके आए, ये आप कर रहे हैं, कितनी भी मॉडल राज्य होगा हमने एक अधिकारी को लिया, एक अधिकारी वही ईमानदार है, बाकी दिल्ली के जितने आई है सब सारे जितने अधिकारी हैं बेईमान हैं। ये हमने नहीं कहा, आप कह रहे हैं आपके जो ऑफिसर्स हैं उनका मनोबल ही गिरा रहे हैं, वो अभी तक अपनी जगह पर पहुंचे नहीं, आप पहले कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, आप मौका देंगे नहीं उन्हें काम करने का तो वो मौका नहीं देंगे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, ये उनका विवेकाधिकार है, ये उनका अधिकार है कि वो 10 में से किसको चुने, सुनिए 10 के 10 लोग ईमानदार हैं। जब ये संजीव जी ये कह रहे हैं कि हमने ये नहीं करा कि वो बेईमान नहीं है, जब वो बेईमान नहीं है तो उन अधिकारी से काम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? ये बताइए आप, आपको नहीं लगता है इसमें क्या जिन ऑफिसर्स आप नियुक्त किया गया है, अगर आप उनके साथ ऐसे करते हैं, उन्हें नियुक्ति आने से हो गई है, उनकी नियुक्ति से पहले आप कह देते हैं वो भ्रष्टाचारी है, गीतांजलि का मनोबल भी गिरेगा, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहीं कुछ ऐसा नहीं कहा, ऐसे ही दिल्ली सरकार ने किसी को कुछ नहीं कहा, हो गई है कि कुछ दिन ऐसे ही रहा तो दिल्ली गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाएगी, इस स्थिति पर कगार पर पहुंच गई है। वाजपेयी जी, गीतांजलि, जाने अनजाने मेरे दोस्त संजीव निगम जी से मुंह से ये बात निकल गई है कि अरविंद केजरीवाल तैयार बैठे हैं जेल जाने के लिए, भाई तो आप इनके बिल्कुल ये जाने अनजाने में बिल्कुल सच बात बोलती है, ये अभी भी आंदोलन के मूड में इसीलिए छेड़ रहे हैं बार बार कि किसी तरह हम, क्योंकि देखिए 49 दिन में भाग गए, काम नहीं कर पाए, अब इनके बस की नहीं है काम करना, अभी तरीका ढूंढ रहे हैं कि हमें जेल भेजो, हमारे को हमारे ऊपर 356 लगाओ, ये ऐसे काम करते रहेंगे और ये करेंगे कि किसी तरह से हमारे को हम शहीद कहलाएं, हमें जेल भेजें और उसके बाद आंदोलन करना कड़ा करें, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको इसी संविधान के अंदर रहकर जो वादे करें, या तो आप भगिए, आप कह दीजिए हम वादे पूरे नहीं कर सकते, और नहीं तो आप जो सोच रहे हैं कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, ये सपने सपने ही रह जाएंगे। बिल्कुल सपने, आप जेल जाने की क्यों सोचते हो?
आपको 67 एमएलए, इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली ने आपको एमएलए, मैं वही कह रही हूँ, आप नियुक्ति पर ही क्यों अटके हैं? आप नियुक्तियों पर ही क्यों अटके हैं? ये मसला आपने अपनी नाक का मसला क्यों बना लिया है? आपके पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, आप पूरे कीजिए। और नियुक्तियों की बात है, जो संविधान में लिखा है आप उसको नहीं मान रहे हैं, आप कोर्ट चले गए, जो कोर्ट ने कहा आप उसको नहीं मान रहे हैं, अब आगे आप कह रहे हैं कि हम जेल जाने को भी तैयार है। तो देश की जनता को भ्रमित करने की आखिर वजह क्या है? अगर आप सत्ता में नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सत्ता नहीं चला पा रहे हैं, आप हाथ जोड़िए और कहिए कि भाई हम काम नहीं कर सकते। बात देश की जनता को भ्रमित करने का क्या मकसद है? कार्य पहले कभी नहीं हुआ है वो हम काम कर रहे हैं। क्या काम आप कर रहे हैं सर? क्या काम आप कर रहे हैं? क्या ये काम दिल्ली की बेसिक जरूरतों से ज्यादा अहम है? क्या ये दिल्ली की जनता की जो बेसिक जरूरतें हैं उससे ज्यादा नुकसान है? चार मंत्रालय हैं, हमने हर मंत्रालय के लिए अलग अलग सेक्रेटरी लगाया हुआ है कि वो विभाग को देख रहा है, एनालाइज कर रहा है किस तरीके से कहां क्या हो सकता है। आप ये कहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी आने से पहले देश में कुछ भी दुरुस्त नहीं चल रहा था? कोई अपने लिए तो कर रहे हैं 21 विधायकों को एक पोस्ट दे दी। सर आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी आने से पहले देश में कुछ भी दुरुस्त नहीं चल रहा था? आपकी पार्टी आई है सभी लेकर आपकी पार्टी करेगी? आप मिला हुआ है, चपरासी मिले हुए हैं काम करने के लिए, बाबू मिले हुए हैं कर रहे हैं, तो आप कह दीजिए फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, ये भी सड़क पे आप काम कर रहे हैं, आप तो काम करने ही नहीं देना चाह रहे हैं। ये भी आपने गलत करा है, चढ़ गए थे आप ये कह रहे हो वो छत के ऊपर, अरे कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो भी नहीं करने दे रहे हो, छत के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप छत के ऊपर भाग जाते हो। काम करो, एक बताओ ना, आप पब्लिक के लिए कौन सा काम कर रहे हैं? सब पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि जो है 10 लाख का सूट पहन लिया हो घूम रहे हो, वही बात मैंने पहले कही, सिंपल सी एक शर्ट और हाँ ऐसे पता नहीं लग रहा है ना आप क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लगाए, आपकी एक सेक्रेटरी है शकुंतला जी, उन्होंने कल परसों आपकी लेटर भी दिया है मिनिस्टर का, फ्री होल्ड वाला, मुझे फ्री होल्ड करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जब आप मंत्री पर वो लागू नहीं होता कि आप गलत काम करवा रहे हैं, तो गलत काम क्यों करवा रहे हैं केजरीवाल जी? मिनिस्टर से उन्होंने उपराज्यपाल से शिकायत करी है, आप कह रहे हैं हमने सेक्रेटरी लगाया है, देखिए ये सेक्रेटरी लगाने सेक्रेटरी हमारे जो विधायक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, ये सेक्रेटरी किस वक्त लगाई है? जिस वक्त इनकी पार्टी में ही जबरदस्त टूट हो गई थी और जो इनके संस्थापक लोग थे इनसे अलग हो गए, उस समय ये सेक्रेटरी वाली बात बनी कि ऐसा ना हो कुछ विधायक भी टूट जाए, तो इन्होंने हर मिनिस्टर के साथ तीन तीन चार चार लोगों को लगा दिया और उनको सारी सुविधाएं भी दी हैं जो मंत्रियों को सुविधा मिलती है, और ताकि इनकी पार्टी अपनी पार्टी में फूट ना हो। तो वास्तविक इतिहास तो उसका ये है, बाकी आप कहते हो कि आपने सेक्रेटरी लगा दिया तो उन सेक्रेटरी की वजह से क्या कोई काम आपके मंत्रालयों ने बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया क्या? ऐसी कोई रिपोर्ट है जिससे जनता बहुत खुश है कि आपने एक एक मिनिस्टर साथ तीन तीन और मिनिस्टर लगा दिए हैं, क्योंकि संविधान में आप 6 से ज्यादा मिनिस्टर लगा नहीं सकते दिल्ली में, तो बाकी लोगों को एडजस्ट करने के लिए आपने दूसरा तरीका निकाल दिया। इस तरह से अगर बाकी सारे राज्य भी हिंदुस्तान में करने लगे तो मेरा ख्याल मंत्रियों की बहुत बड़ी फौज हो जाएगी पूरे देश के अंदर। तो एक तरफ तो आप गलत प्रेसिडेंट खुद पैदा कर रहे हैं, सब गलत ही कर रहे हैं। नहीं, अब आप सुन लीजिए बात, आपने खुद गलत प्रेसिडेंट पैदा किया, दूसरी तरफ आप ना संविधान मानेंगे, ना हाई कोर्ट मानेंगे, आदेश मानेंगे, ना कोई कानून मानेंगे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉइंटेड एलजी की बात मानेंगे। आप अगर आपको एलजी से कोई शिकायत है तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कीजिए, लेकिन इस तरह से रोज एक एक मसले लेके जिसका ना तो दिल्ली के वाले कहीं ना कहीं, ललन जी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई मुझे तो सभी कुछ चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे, और कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है गाहे बगाहे, जहां तक अगर मैं इस बात को पूरे मसले को समझ पा रही हूँ, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म शायद इस वक्त अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रहा है, शायद यही मुद्दा अरविंद केजरीवाल बनाकर चल रहे हैं। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं ललन? देखिए नहीं नहीं, ये तो आप गीतांजलि जी की बात तो ठीक है कि गीता वो अरविंद केजरीवाल का तो एक एजेंडा है ये कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हमें दिलाना है, लेकिन जिस तरह से कुछ मसले अगर एलजी साहब के पास रखे रहेंगे तो पूरे मसले हमारे पास आएंगे कैसे? प्रोसीड कर रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, वो इस मामले को लटकाते हुए चलेंगे अगले इलेक्शन तक ऐसे ही, ये एक न एक जो मुद्दे उठा रहे हैं इससे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से रहा, क्योंकि आप सेंट्रल से कंफ्रंटेशन लेके दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं जा रहा है। वही है ना, वो नहीं सकता, ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए तो ये पॉइंट है उनके पास ना, जो भ्रमित जैसे वो अक्सर करते हैं लोगों के बीच में एक मुद्दा छोड़ देते हैं, शकों को छोड़ देते हैं कि भाई अब जनता को कितने दिन तक भ्रमित करेंगे, केजरीवाल हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, जनता को बहुत दिन तक भ्रमित नहीं किया जा सकता।
और ये इस देश का इतिहास है, जब भी ऐसा हुआ है तब फिर पार्टियां या तो बिखर गई या प्रशासन उनका खत्म हो गया, कुछ न कुछ हुआ। तो ये आप अगर सोच के चले कि हम यही पॉलिटिक्स बराबर करते रहेंगे और इसमें हम सक्सेसफुल होते रहेंगे, तो मेरा ख्याल ये भूल है। आपको नहीं लगता है कि सभी राजनीतिक दल जो अपनी बाइट दे रहे हैं इधर उधर न्यूज चैनल्स पे बोल रहे हैं या इधर उधर बोल रहे हैं या इसके इसके लिए कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा तरीका? इनसे मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, एक बात वाजपेयी जी, मैं नोटिफिकेशन बारे में एक बात कहना, लेकिन उसमें तो आपको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कि संविधान में जब ऑलरेडी कोई प्रोविजन है तो आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। ये मैं नहीं, ऐसा नहीं, मानने ना मानने का मतलब है कि आप कोर्ट में सीधे चले जाते हैं। नोटिफिकेशन इशू करने की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ है। अब अगर आपने नोटिफिकेशन इशू किया तो एक तरह से आपकी कमजोरी दिखाई गई इस मामले में, और उसका फायदा इन्होंने उठाया, उसको नोटिफिकेशन उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में जाके। नहीं तो अगर आप सीधे कोर्ट में चले गए होते तो बात संविधान की होती और फिर शायद ये मसला बहुत तेजी से होता। तो ये बात तो नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बहुत अच्छी बात की नोटिफिकेशन निकाल के, क्योंकि जब संविधान आपके साथ है तो आप अलग से नोटिफिकेशन मत निकाल। उसमें ये था कि जो इनको असल में क्या था कि ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं इस पार्टी की, तो हमारी सोच ये थी कि भाई इनको इनके अधिकार क्या है वो समझा दिए जाए एक बार दोबारा से, और एलजी के अधिकार क्या है वो भी इनको इसलिए नोटिफिकेशन, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने, उसके बाद भी ये टकराव के रास्ते अपनाते रहे, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना लाचारी बन गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि आपके अधिकार क्या है और एलजी साहब के अधिकार क्या है, वो इनको बखूबी बता दिए गए, अब उसके बाद भी नहीं मान रहे। पता है इस तरह की स्थिति और राज्यों में भी आ सकती है, और मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन नहीं इशू करना चाहिए। अगर संविधान में कोई स्पष्ट प्रोविजन है तो कोर्ट में मामले जाने चाहिए और कोर्ट से इसे जाने चाहिए, और अगर मामला शुरू से ही कोर्ट में चला गया होता तो शायद वो स्थिति न पैदा होती जो केजरीवाल ने स्थिति पैदा कर दी। लेकिन स्थिति तो पहले ही बन गई थी, उसको कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मामला कोर्ट तक भी पहुंचे तो भी कोर्ट के मामले की कोर्ट के फैसले की अवेल ना हो रही है, वक्त बहुत कम है। राजेश यादव जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर चाहूंगी मैं। जी, केजरीवाल भली बात जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दिल्ली को दर्जा नहीं मिल सकता, उनके लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए, या तो ये पार्लियामेंट में अभी जो सांसद हैं दो तिहाई इनके पक्ष में आके और बिल पास कर दें, वो हो नहीं सकता। ये केजरीवाल उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी के लिए दिखा रहे हैं कि मैं दिल्ली में काम नहीं कर पा रहा हूं, जी देखिए जनता में काम नहीं कर पा रहा हूं, देश की जनता देखिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, दो तिहाई मुझे सांसद दे दो जी, इसलिए। और इसलिए उन्होंने जो अपने मुख्यमंत्री के अलावा जो कोई मिनिस्ट्री नहीं ली है, कोई पद लिया है मिनिस्ट्री नहीं ली है, वो कहे मैं फ्री होके इस पे काम करूं, वो उन ख्वाब सजा लिया है कि देश में क्या है, मैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अच्छी बात है, हर इंसान को ख्वाब देखने का एक रहना चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आप कुछ करके, दिल्ली की जनता ने 67 विधायक दिए इनको, उस पर ये काम करते और गवर्नमेंट ने भी काम करा, दिल्ली के वही अधिकारियों को साथ लेके पिछली कांग्रेस सरकार ने काम करा और दिल्ली के एक उदाहरण दिया देश के अंदर, दिल्ली राजधानी को एक देश के अंदर ऐसा मॉडल बनाया विकास करने का, सब दिल्ली का हवाला देते थे, तो ऐसे ही इन्होंने कुछ काम करना चाहिए थे उस वर्ग पे, दिल्ली की जनता को दिखाना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं, दूसरे मुद्दों राजनीति कर रहे हैं, राजनीति बंद करके देश के आपको लगता है दिल्ली के हित में काम करना चाहिए, राजनीति से ही प्रेरित है, सिर्फ राजनीति इसमें नजर आ रही है, शुद्ध राजनीति है, या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आम आदमी से जो अपेक्षा थी जनता की, दिल्ली की जनता की, कि शासन में आते ही चीजें सुधरेंगी, जो बिजली की भी, पानी की और बहुत सारी जो सिविक समस्याएं हैं और भी दिल्ली की जो समस्याएं हैं उस पर जो इन्होंने वादे किए थे, लेकिन आपको याद है कि वादे करने के बाद जब ये शासन में आ गए तो वो 100% से 40% पर तो खुद इन्होंने कह दिया कि हम कम से कम 40% वादे तो हम पूरे करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वो कितने परसेंट एक्चुअली में पूरा करेंगे, लेकिन जो इतिहास अभी 100 दिन का है उसमें तो लगता है शायद वो 40% गए या 20%। चलिए, संजीव जी की भी प्रतिक्रिया, संजीव जी की प्रतिक्रिया। अभी देखिए, राजेश जी ये बता रहे थे कि जो है दिल्ली में पहले भी सरकार चलती रही है, तो सवाल ये है कि सरकार तो बिल्कुल चलती रही
20 साल से पहले, अभी कांग्रेस के रही से पहले, लेकिन आपको लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं चला सकता? उसी तरीके से हम सरकार चलाएं, हम अलग तरीके से सरकार चलाने के लिए हमको जनादेश दिया है। क्या उस सरकार ने विकास नहीं करा था? मतलब संजीव जी, अलग जाने का मतलब आप संविधान की अवहेलना कर देंगे? आप अलग जाने का क्या मतलब? पार्टी राजनीतिक पार्टी थी ना, अलग जाने का क्या मतलब है? आप संविधान की भी अवहेलना करेंगे क्या? संविधान में कोई चीज लिखी थी? ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ऐसा होता है, कई जगह आप तो कहते हैं हमें अलग देश की जरूरत है जी, कि भाई कोर्ट में भी आपकी है हमारे सरकार देश बनाने से पहले नौकरी बन जाएगा दिल्ली में, पहले समाधान के लिए नया वो हम पैदा कर रहे हैं, तो जो दिल्ली की जनता देखेगी और भरोसा कर रही है और आगे करेगी, आगे भी आप देखिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे हमेशा, आप भी देखेंगे किस तरीके से नई नई चीजें हम उम्मीद जताएंगे, हम उसको किस तरीके से बेहतरी की। चलिए आने वाला वक्त बताएगा जी। देखिए मेरा तो एक सुझाव है, अगर ये माने तो, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था, मोदी सरकार ने पहले भी इनको बोला कि अगर दिल्ली के भले के लिए आप कुछ भी काम करना चाहेंगे, हमारी सहायता लेना चाहेंगे, हमारा रचनात्मक सहयोग आपको हमेशा मिलेगा, और अगर ये ऐसी तरह से लड़ाई करते रहेंगे, टकराव करते रहेंगे, तो इससे इनकी भी छवि खराब हो रही है और दिल्ली की जनता का सारा जो काम करना है संजीव सफल को मांगा था नहीं दिया। अरे आप जिनसे है उनसे काम चलाइए ना, वहां पे कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर हम बैठे नहीं दिया सहायता करेंगे, तो जो चीज आपके पास नहीं है उसको आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली जो अधिकारी भ्रष्ट है, काम नहीं कर रहा है, उसकी कंप्लेंट करो, उसको भेजो जेल, भाई आप गलत काम कर रहे हैं, उससे काम लो, एक ही करना है कि लड़ाई पता लगेगी, और अगर यही आप करना ही ना चाह रहे हैं, आप यकीन करना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता आपको गलियों कूचों से निकल के आपके वहां पे जाके घरों में, मंत्रियों के घरों में जाके पत्थरबाजी करेंगे, हायल्ला करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये विवाद जो है सुलझने का नाम नहीं ले रहा, विवाद काफी बड़ा है, तीन पे लाकर अधिकारों की लड़ाई है और अब इसे कहीं ना कहीं अपनी साख की लड़ाई बनाया हुआ है, तमाम यहाँ जो कवायदे हैं वो की जा रही है, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल आप सब बहुत इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल का हाल इस वक्त उस बच्चे के जैसा हो रहा है जो कहते हैं कि दिल तो अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही चाहिए या कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके हाथ में सब कुछ आ जाए, लेकिन क्या ये संभव है, ये प्रश्न जरूर बनता है। लेकिन विवाद लगातार जारी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। इसी के साथ न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।